चाची ने हमें यहाँ पर ये देखें दाल मूंग दे दी है। ये नमाज वाली चादर देखें जो मैं घर लेकर तो ठीक है, चाहे 10K या 20K है, इट्स ओके चलेगा। अच्छा ये वाले बॉक्स ना मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि बनाने पर अभी मैंने अबू भी आ गया ना बनवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अभी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। नए व्लॉग के साथ और एक नए खूबसूरत दिन के साथ हमारे व्लॉग का भी आगाज़ हो चुका है। दुआएं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में और सलामत रखे, आमीन। और आप सब पर अल्लाह पाक की हमेशा सलामती बनी रहे। अभी हम चाचा और चाची के घर आए हैं क्योंकि सहरी हमने यहाँ पर करनी है, सहरी पे हमें चाचा और चाची ने बुलाया है। और मुस्तफ़ा ना यहाँ पर खेलने आगे, बहुत शौक है ना इसको ये खेलने का। चलो मुस्तफा हम जा रहे हैं, आप खेलो अपने पापा के साथ, ठीक है? ये आपको बताएंगे कैसे खेलना है। जैसे हम आए हैं सलाम करके तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाची की किचन में, बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। चलिए भी देखते हैं और आप सबको भी मैं दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है। चाची क्या बनाया आपने? अच्छा यहाँ पे पुलाव बन रहा है, बकरे का गोश्त, मटन। पुलाव की ये खुशबू आ रही थी जो ना बड़ी वो जबरदस्त सी आ रही थी। चले आते ही ना ये देखें चाची ने यहाँ पर सबके लिए फ्रूट्स, यहाँ पर है कराची की मिठाई, ये भी अभी मैं खाने लगी। जाहिर है पाकिस्तान की है तो फिर तो हम रह नहीं सकते ना कि पाकिस्तान से कोई चीज़ आई हो और हम ना चेक करें, हम ना खाएं, तो उसमें हमारे पाकिस्तान की याद भी होती है चीज़ों के साथ साथ। दस्तरखान लगी है माशाल्लाह से और बस भी हमने खाना शुरू करना है। सबको प्लेट्स में मैं डाल के दे रही हूं, पकड़े मला को दे दो प्लेट्स, मला मेरा प्लेट्स पे कब्जा किया है। पीना हम पीने लगे हैं चाय। और यहाँ पर एक और बात हुई, ये मेरे हस्बैंड का नया चैनल खोल रहा है, पर बात हो रही थी तो ये कह रहे हैं इन्होंने भी चैनल खोलना है, तो मैं कह रही थी चलो ठीक है सोच ले जो नाम आपने सोचना। चाची ने ना हमें यहाँ पर ये देखें दाल मूंग दे दी है जो कि पाकिस्तान से कोई लेकर आए इनके लिए, और ये भी पाकिस्तान कराची से, तो इन्होंने ये हमें दे दिए। और यहाँ पर अभी मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय, और मलाक कैसे बन ठन के बैठी हुई है चाय के साथ। और ये देखें चाची का गिफ्ट रमजान का, रमजान में चाची को किसी ने दिया था जो कि बहुत खूबसूरत है। वैसे है ऐसी चीजें मैं लेती रहती हूँ, लेकिन क्या है कि उनकी जो लाइट होती है ना वो येलो कलर की होती है, और ये देखें इसकी जो लाइट है ना वो रेड कलर में खूबसूरत लग रही है। और कब से मलाक जो है ना इसकी दीवानी होगी, बस कब से इससे इसके साथ खेल रही है। मलाक को ये देखो क्या उठाया मैंने, दे दो दादी को, दे दो वापस दे दो। थैंक यू, इसे बोले दे दो, दे मलाक दे दो। सुबह में अलग ही रौनक बनी हुई है कुबा मार्केट की, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू यहाँ से, सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इस टाइम हम आते नहीं है ना, आज पहली बार हम आ गए यहाँ पे ना। अभी हम रुके, हमें मेहंदी नजर आई है तो भी यहाँ से हम मेहंदी लेते हैं। 20 रियाल किलो के हिसाब से दे रहे हैं, और अभी मैंने इन्हें कहा कि हमें आधा किलो चाहिए, यहाँ से अभी हम 10 रियाल की ले रहे हैं। हाँ जो बच्चे हो चले। सुबह यहाँ पर इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, और रोजे के दौरान हम शॉपिंग कर रहे हैं। अभी ना हम चाची के साथ आए हैं, चाची ने भी इतनी शॉपिंग करनी थी, तो मेरी भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें क्या मलाक के शूज रह गए थे वो लेने के लिए आई हैं, चाची के साथ हम आए हैं। अभी मेहंदी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। ये मेरी नमाज वाली चादर देखें जो मैं घर पे पहनती हूँ, सेम वैसी है। चाची को भी मैं बता रही हूँ, ले गई है आपने सेम वैसी लिए। दोबारा से हम ब्राफो सेंटर पर आ गए हैं, यहाँ से कुछ सामान लेना है चाची ने, और हमने हानिया को कह रही हूँ कि ये वाली नेल पॉलिश ले लो, ये मैच हो गई है। और हानिया के पास है 10 रियाल जो कि इसने कब से छुपा के रखे हुए थे, अब मैंने इसे कहा है कि ये 10 रियाल के, तो मुझे कहती है मेरे पास बचा क्या, मेरे पास तो पीछे कुछ नहीं बचेगा अगर मैं ये 10 रियाल के लेती हूँ, मैं कुछ हार लूंगी ये नहीं लूंगी। हाँ मम्मा के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करना होता है ना, देखो कैसी लग रही हो अब ये डन करो, लेनी है कि नहीं लेनी, मैं नहीं दे रही पैसे, नहीं कुछ और ले लोगे। तो मम्मा लेकर दे तो ठीक है, चाहे 10K या 20K इट्स ओके चलेगा, लेकिन अगर अपने पैसे हो ना तो फिर उन्होंने नहीं ले ली, फिर कहते हैं नहीं हमारे पास बचेगा क्या। हाँ हो गया, नहीं मिल रहा। मुस्तफा का बैग रह गया था, नहीं लिया था तो बहुत सैड था कि मेरी टी आपने नहीं लिया, तो अभी मैंने कहा ले लेती हूँ उसके लिए, देखा तो मुझे ये कलर भी अच्छा लगा। यहाँ पर ना सबने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, टॉफियां वगैरह रखे हुए हैं, और हर कोई ईद के लिए ना यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर शूज हैं, शूज के साथ साथ देखें यहाँ पर और भी काफी सारी इन्होंने बच्चों के खाने पीने के लिए चीजें रखी हुई हैं जो कि लोग यहाँ पर शौक से खरीदारी कर रहे हैं इनके। हस्बैंड के लिए ना मैं यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि उन्हें बकूर और बहुत पसंद है, और ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, लेकिन उन्हें ये छोटी वाली नहीं पसंद। नहीं ले रहे, इसमें डाल के देंगे ना, इसमें वो बड़ी
वो वाला आई थिंक वो वाला वसला है और ये मशायर है ना मशायर अच्छा है कि वसला मशायर अच्छा ये हमें मिलेगा यहाँ से अगर हम लेंगे ना तो ये हमें 25 रियाल का पड़ेगा तो अभी ये वाला जो है ना मुझे काफ़ी पसंद आया है ये इसकी खुशबू जो है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है मैंने कहा ये ले यानी बहुत वो हैवी भी नहीं है बहुत लाइट भी नहीं है सबसे खूबसूरत ये चीज़ है ये वाला चले अभी भाई से हमने ले लिए और ये अभी हमें डाल के दे रहे हैं इस तरह की बोतल में माशाल्लाह ये तो बच्चों की ही होती है देखिए बच्चे यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं माशाल्लाह कह रहे हैं 5 रियाल का दे रहे हैं 2 रियाल का नहीं आएगा बच्चे कितने तेज हो गए और ये देखें किस तरह से ना हमें ये पैक करके इन्होंने दिया है ये वाली मैंने ली है इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था एक चलो आ जाओ चले हमारे भी जो बची खुची थोड़ी बहुत चीज़ें थी चाची की भी सबकी डन हो गई हैं और मुस्तफ़ा भी आ गए हम सबको लेने के लिए अपने पापा के साथ और आते ही ना पहले ना इसने अपना बैग देखा ये नाराज़ था मुझसे कि मेरा बैग क्यों नहीं लिया अच्छे? प्यारा लग रहा है माशाल्लाह खेल खेल के ये क्या किया आपने शर्ट का हाल खेल रहा था फुरफेरा खेल रहा था आज मेरा बच्चा चलो आ जाओ चले अरे वाह माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारा लग रहा है पूरी आ गई जो थी मेरी मुलाकों को चाची को अभी हमने घर छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं अभी अपने घर शाम हो गई है और हम जा रहे हैं अफ्तारी के लिए सैयद अल शहदा सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि हमारी ईद और आप सब की ईद जो है ना वो इकट्ठी हो रही है एक साथ हम ईद मनाएंगे लेकिन बाकी का पता नहीं शायद कल तक पता चले हस्बैंड है नहीं फार्म पे चले गए तो इसलिए गाड़ी मैं ड्राइव कर रही हूँ और सारे घर वालों को लेकर जा रही हूँ अफ्तार करने के मेरी मुलाकों भी आ गई इंशाल्लाह आज यहाँ पर अफ्तार होगा इसके अलावा मैं बस गाड़ी पार्क कर रही थी तो बच्चे सारे आगे चले गए बस मोना मेरे साथ है पीछे वो मलाक को लेकर आ रही है दस्तरखान लगना शुरू हो गए बल्कि लग चुके हैं पहले से माशाल्लाह काफी अच्छा खासा रश लगा हुआ है आज यहाँ पर बाद ना देखें यहाँ पर सारे दस्तरखान लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना दस्तरखान लगाया आज तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा रश है पहाड़ पे चारों तरफ रश ही रश है देखें मगरिब की नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज इतना रश है ना सच में मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर सैयद अल शहदा में इतना रश है बाहर का इतना हुजूम मैं आप सबको नहीं दिखा सकी पूरा क्योंकि मैं नमाज के लिए आ रही थी और नमाज को देर हो रही थी लेकिन सच में बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे आज माशाल्लाह नमाज पढ़ के अभी मैं वापस जा रही हूँ जहाँ पर हमारा मैट बिछा हुआ था उसी साइड पे यानी हम बैठे थे उस साइड पे लास्ट में वहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया और जो लेडीज मस्जिद है ना वो इस साइड से घूम के फिर उधर जाना पड़ता है पहाड़ी के ऊपर भी ना काफ़ी सारे लोग हैं जो कि रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और इस साइड पे भी सामने मलाको आ जाओ पानी ले आओ दे दो आ जाओ मलाको ये क्या हो रहा है मलाको आ जाओ ले आओ इसको चले हानिया हानिया ये मैट मुझे दे दो आप ये कचरा उठा के फेंक के आओ शाबाश जल्दी करो चले अभी सामान जो था हमारा थोड़ा बहुत वो हमने उठा लिया है बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मलाको को कोई पकड़े गिर ना जाइए पकड़ लें इसको बहुत अच्छा लगा रोज़ा इफ्तार करके और माशाल्लाह यहाँ पर सब अभी जो है ना ईद मुबारक कह रहे हैं
और जब तक मेरा ये ब्लॉग आएगा आप सबके पास तो जाहिर है आप सबकी भी ईद होगी और हमारी भी ईद होगी। हस्बैंड अब फार्म से आए थे और फिर मैंने इन्हें कहा था कि हम यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करें तो यहीं पर आ गए थे। अभी नहीं, इस गाड़ी को एक साइड पे पार्क कर रहे हैं और चाचू आ जाएंगे, चाचू को बोल दिया कि वो आ जाएंगे इस गाड़ी पे। हम जा रहे हैं बड़ी गाड़ी पे सारे। सुनिए, अभी सायरा आंटी और नायल आंटी के पास जा रहे हैं। पता नहीं, देखते हैं, अभी बात करती हूँ मैं उनसे, इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होनी। सब चले गए हैं घर और मैं और हानिया और मेरे हस्बैंड जो है ना वो हम जा रहे हैं अभी मार्केट जा रहे हैं। थोड़ा सा काम है मार्केट में, बॉक्सेस जो ईद के होते हैं ना वो लेने हैं क्योंकि मुझे दोबारा से नहीं मिले थे, सारे वहाँ पर ख़त्म थे। हर कोई ले लेते ना, फिर एंड में नहीं मिलते, तो अभी मैंने कहा कि मुझे लेकर चले, मुझे लाजम लेने हैं। बच्चों को भी ईदी देनी है और मुझे थोड़ा बहुत और भी कुछ बनाना है। चलो आगे चलो, आपके पापा चले गए, जो यहाँ से एक बास्केट लेकर आ जाओ। ये ले लो मलाक के लिए, पिंक कलर में नहीं है ना, पर्पल में है। मलाक के लिए ना ये वाली ली है हमने, ये रही है पिंक, ये हाँ रही, ये रही पिंक, ले लो। चलो हानिया चलो आ जाओ, देखते हैं बॉक्सेस कहाँ पर है। ये इतनी बड़ी कंघी किस चीज़ के लिए होगी? ये हानिया के लिए बनाई है। अच्छा ये रही बॉक्स, लेकिन ये बने बनाए इन्होंने यहाँ पर ना वो कर दिए, हैंग कर दिए, बाकी ना ये पीछे हैं देखें, इस तरह से ना इनको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये वाले बॉक्स ना मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि बनाने पड़ते हैं, अभी मैंने हस्बैंड को कहा कि उन्होंने ये देखें मुझे बना के दे दिए, तो मैंने उन्हें कहा कि बस ये वाले ले लेते हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखें वो वाले लालटीन भी हमें मिल गए ना जो हमने चाची के घर पर देखे थे, ये देखें कितने क्यूट से हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। हानिया ज़रूरत ही नहीं है फिर ईदी लेने की ना, ये देखो 500 ऐसे मिल जाएंगे आपको पैकेट के जरिए से। नहीं देखो ये 500 का पैकेट है, पता है 500 रियाल का। हाँ ये ले लेते हैं, अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कलर कोई अच्छे से मिल जाए ना, ये वाला नहीं, सेम ऐसे नहीं है जैसे ये वाला पिंक उठाया हुआ, ये ब्लैक नहीं ना, ब्लैक नहीं चाहिए। चांद रात में रश कितना लगा हुआ है, ये 1 रियाल की पेन के 1 रियाल की शॉप है, माशाल्लाह रश काफी लगा हुआ लोगों का। चले लाइट पर्पल लिए मेरे सूट के साथ मैचिंग, तो फाइनली ये मिल गई है हानिया को, दिखाओ तो सही, ये ले दें इसको, ये इसके सूट के साथ मैच कर रही है। चले चलो जल्दी से, चलो होगी हमारी शॉपिंग। बस अभी हम आ गए यहाँ से चॉकलेट लेने के लिए, जो कि हमने बॉक्स लिए हैं वो बनाने हैं, उनमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ डालना है, तो वो चीज़ें हम यहाँ से लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं टॉफीज़ की, चॉकलेट की, तो यहीं से अभी हम लेते हैं। चलें अभी यहाँ से ना मिक्स करके लेते हैं हम, और ये वाली जो है ना ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली कौन सी अच्छी है, क्योंकि ये बच्ची है ना तो इससे पूछना चाहिए कि कौन सी अच्छी है इनमें से। ये वाली अच्छी है, ये ले लें, बच्चों को अच्छी लगेगी ये वाली। चलो जल्दी चलो, देखो आपके पापा आगे चले गए। एक पैकेट ना हमने इन टॉफीज का ले लिया है, ये कलरफुल भी हैं और इनका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होता है। ये पकड़ो, ये रखो, ये ट्रॉली में रखो, कॉफ़ी वाली नहीं, ये वाली बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। चलो यहाँ से ऐसे बस मिक्स करके ले लें, ये सारी एक ही रेट है इनका सबका, बस फिर यहाँ से ना मिक्स करके ले लेते हैं। जैसे ये पिंक ली है ना, अब ये थोड़ी सी यहाँ से ब्लू ले लें। अच्छा पहले ना हम वहाँ से वो उठा रहे थे, फिर अभी हम आ गए यहाँ पर बॉक्स लेने के लिए। एक ये ले लिया है और एक ये वाला लिया हमने, मुझे दे दो एक शॉपर मैं पकड़ूँ। चलो हमने बॉक्सेस लेकर आए, जल्दी से लेकर आओ और सारे यहाँ पर बैठ के ना बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना नमाज से खुद लेकर जाना है हमें सब में बांटने। आपने क्या करना है, ये कैसे पहुँचाइए, पता चल गया आपको क्या चाहिए मेरे मुलाकों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, की जान है एक दे दिया, बस एक काफी है एक बस। हाँ ये चाहिए, दो चाहिए। अच्छा जाओ दे आओ, बुक देखा। घर आते ही मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर तमन्ना को मैंने कहा था कि तमन्ना आप जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, तो ये तमन्ना मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ गई है, मैंने भी साथ के देखी, दोबारा से गंदा हो गया। तमन्ना को देखिए यहाँ पर बैठ के खा रही है और मैं बैठ के ना सुकून से अपनी चाय पी लेती हूँ। तो गाइस मैं आप सबको दिखाती हूँ मम्मा का चांद रात का सूट, तो ये है मम्मा का फुल लुक चांद रात का, फिलहाल उनने पहना नहीं है लेकिन उन्हें अभी से आयरन भी करना है। ये नैना आप इन्हें भिजवाए थे, इनका दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, उसके यहाँ डोरी भी लगी हुई है और प्यारा सा बटन, मुझे ना ऐसे अच्छे लगते हैं जब मम्मा फ्रॉक पहने, हाँ कभी शलवार पहनती है ना
वो यानी अच्छे कलर होते हैं उसके, उनमें भी प्यार लगते हैं, लेकिन मुझे मुझे सबसे ज्यादा मामा प्यार लगते हैं फ्रॉक में। अच्छा तो यहाँ पर हमने छोटा मोटा चांदराज का सेटअप तैयार किया अपना, और यहाँ पर ये जो चीजें अभी हम मार्केट से लेकर आए थे पैकेट्स, ये बनानी हमने बच्चों में तकसीम करने, तो यहाँ पर सारे अभी हम मिलके बैठ गए और सारे ये पैकेट्स बनाने वाले हैं मिलजुल के। आप कहाँ जा रहे हो? आ जाओ जल्दी से, उन्हों को भी बुलाओ। विमला क्या करिए, मुझे दे दे वहाँ से पैकेट बना उन्हों। देखो हानिया, पहले ना इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको नीचे दबाओ ऐसे। ये मैंने आपके पापा से सीखा है। हाँ इसको नीचे करो कैसे, ये ऐसे पहले इसको ऐसे पकड़ो ऐसे, ऐसे? और यहाँ से देखो ये नीचे हो गया ऐसे। ओके ओके, अब इसको ऐसे करना है। ओके ओके, इसको ऐसे करना है, उसको भी ऐसे करना है, फिर ऊपर से वो डाल देना है। अभी समय मेरे मन पहले इसको सीधा करना है, ये टेढ़ा ना हो जाए, ठीक है? ये हो गया, फिर ऊपर से ये डाल देना है। एक मिनट, हाँ ये जो जगह है ये नीचे जाएगी इसमें, और ये वाली जगह ये भी नीचे जाएगी, और ये हो गया इस तरह से रेडी। मलाब तो मलाब को कोई काम तो नहीं करेगी, अभी अबू भी आ गए हमारे साथ बनवाने के लिए। चलो जल्दी खाने पता कैसे डालिए, ये सब कैसे एक एक फ्लेवर खाएंगे जितने भी मिक्स है ना, ऐसे डालती जाओ सब। ये देखो मैंने अलग अलग फ्लेवर डाले, हाँ अलग अलग डालो सारे। अब देख वो रहता है, अब देख वो रहता है, एक एक सब फ्लेवर में से डाल दूँ मैं। ये बॉक्स बना बना के ना सबको दे रही हूँ। ये हमारे चांद रात का ना पूरा सेटअप खराब करने वाली बच्ची, ये मेहंदी चोर है। चलो घर आ जाओ, आ जाओ, सारी सफाई करवानी है। हाँ जी, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए?